डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर इंद्रजीत यादव टेक्निकल क्लासेस। हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 5 का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। स्टूडेंट, अब इसके पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था कैड और एफएमएस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, एफएमएस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैड क्या होता है, कैड में हम कितने प्रकार के एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं, उनकी लाभ क्या है, हानि क्या है, मेरिट डिमेरिट सबके बारे में। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैम। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है इसमें। कंप्यूटर का उपयोग निर्माण तकनीकों के साथ साथ उत्पादन यानी प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट कंट्रोल में भी किया जाता है। कंप्यूटर के इसी अनुप्रयोग को हम कैम की संज्ञा देंगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का निर्माण जो है टेक्निक के साथ साथ जो प्रोडक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट में जो की गई है, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कैम कहते हैं। कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कंप्यूटर के द्वारा ही जो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए उसे क्या कहते हैं, कैम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैड, कैम कहते हैं। और कैड में क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले कैड से क्या होती है, डिजाइन होती है। कैड से डिजाइन हो गई आपकी, जब डिजाइन हो जाती है ना, कैड डिजाइन का कार्य करता है। ठीक ना, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लेकिन जो कैम होता है, कैम का कार्य ही होता है मैन्युफैक्चरिंग करना। क्या होता है स्टूडेंट, जो भी डिजाइन कैड के द्वारा बनाई गई है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके उसको पार्ट को मैन्युफैक्चर करना, वो क्या कहता है, कैम कहता है, यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं कैम के बारे में। तो कैम के जो आपका वर्क है उसको स्टूडेंट दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला प्रोडक्शन प्लानिंग और दूसरा प्रोडक्शन कंट्रोल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को, पहला आपका है प्रोडक्शन प्लानिंग, पहला स्टूडेंट क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, और दूसरा आपका है प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है ना, चलिए हम एक एक करके बात करते जाते हैं इसमें, देखते हैं। इसके अंतर्गत कंप्यूटर के अप्रत्यक्ष उपयोग लाए जाते हैं, उदाहरण के लिए कॉस्ट एस्टिमेशन। इसके अंतर्गत श्रम लागत, मशीन लागत, प्रचालन लागत और अन्य लागत सम्मिलित होते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो प्रोडक्शन प्लानिंग होता है इसमें जो हमारा कंप्यूटर का जो उपयोग है वो इनडायरेक्टली होता है। कैसे होता है स्टूडेंट, इनडायरेक्टली होता है। कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, हम पहला आपका कॉस्ट एस्टिमेशन यानी कि मूल्य आकलन के लिए, जैसे हमने आपका सिस्टम है कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा क्या करते हैं स्टूडेंट कि कितने वर्कर हैं, कैसे वर्कर हैं, कर उनके अटेंडेंस को और मशीन कितने की आई है। ठीक है ना, कॉस्टिंग वैल्यू क्या है, सारी चीज़ों हम क्या करते हैं, वहाँ उससे कॉस्ट इसका एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है ना, इसके अंतर्गत हम आते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग में, क्या कर देखते हैं, वन बाय वन करके हम इसको वो करेंगे। ठीक ना, इसके अंतर्गत कंप्यूटर के प्रत्येक प्रत्यक्ष उपयोग जैसे भौतिक क्रियाकलापों को निर्देश करते हैं। देखना नहीं सुन, इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम इनडायरेक्टली करते हैं, लेकिन जो आपका प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या होता है, इसमें जो है हम डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। क्या कहते हैं, इसमें डायरेक्टली होता है, इसमें डायरेक्टली होता है, इसमें कंप्यूटर का प्रयोग करके हम यूटिलाइज करके हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक ना, इसमें प्लानिंग होती है, इसमें कंट्रोल होता है। जैसे हमको प्लान किया कि 5 लेब, जैसे सपोज हमें ये प्लान करना है, तो प्लान कर लेंगे, तो उस प्लान का हम इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ करेंगे, इसके प्रोडक्शन कंट्रोल में करेंगे। क्या होता है कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल में, क्या होता है सुनने की, इसमें पहला क्या है कंप्यूटर प्रक्रम नियंत्रण। इसमें क्या होता है, कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं, जैसे असेंबली सिस्टम, न्यूमेरिकल कंट्रोल, रोबोट, आपका मटेरियल ना हैंडलिंग, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये सब किसके अंतर्गत स्टूडेंट्स होगा, इसके एक क्या होगा, ये आएगा आपको प्रोडक्शन कंट्रोल के अंतर्गत। कैम में प्रोडक्शन कंट्रोल के अंतर्गत आपका आएगा, कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल के अंतर्गत आएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं अपना, ध्यान देखिए फिर समझिएगा। कैम को दो भाग में डिवाइड किया, पहला है प्लानिंग है प्रोडक्शन प्लानिंग, और दूसरा है प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है ना, प्लानिंग में हम किसी चीज़ को प्लान, प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे उसकी कंप्यूटर द्वारा, सारी चीज़ उसको इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या करेंगे, इसमें हम इस पर हम सीधा डायरेक्टली इसका उपयोग करके हम उस चीज़ को उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है ना, जैसे क्या हो गया, जैसे हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल में, इसमें क्या होता है, असेंबली सिस्टम हो गया, न्यूमेरिकल कंट्रोल हो गया, रोबोट हो गया, और मटेरियल हैंडलिंग हो गया, और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो गया इत्यादि। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोडक्शन प्लानिंग की। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, कंप्यूटर एडेड प्रोसेसिंग प्लानिंग। इसके क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा प्रक्रम का रूट
तैयार किया जाता है। ध्यान देगा स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जो जो कंप्यूटर द्वारा जो है जो आपका प्रकरण यानी प्रोसेस है उसे क्या करते हैं, इसका रूट तैयार करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसका रूट तैयार करते हैं। लेकिन हम प्रोडक्शन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, इसमें सीधे से क्वालिटी कंट्रोल पे आते हैं। क्वालिटी कंट्रोल से इसमें क्या होता है, क्वालिटी का इंस्पेक्शन स्वतः कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपका इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। इसमें इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे हम, इसका प्रोसेस तैयार करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के द्वारा जो है ऑटो इंस्पेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, उसी क्वालिटी का ऑटो इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप लोग, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जुमने में। इसमें आपका इनडायरेक्ट वर्क होता है, इसमें डायरेक्टली वर्क होता है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, इसमें इसने वर्क किया है कंप्यूटर द्वारा, इसने क्या है कंप्यूटर के द्वारा इसने रूट शीट तैयार करके उस प्रोसेस का रूट शीट तैयार कर लिया है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि इसमें क्वालिटी का जो है इंस्पेक्शन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, प्लानिंग की। ये आपका स्टूडेंट प्लानिंग है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका है कंट्रोल की बात है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ मशीन डेटा। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर की सहायता से मशीन स्पीड, टूल स्पीड, फीड रेट व अन्य आंकड़े क्या करते हैं, इनकी गणना की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो क्या होता है कि जो कंप्यूटर प्लानिंग के द्वारा क्या होता है, इसमें फीड रेट होता है, मशीन की स्पीड होती है, टूल की स्पीड, इसकी क्या होता है, इसमें इसकी गणना की जाती है। कंट्रोल में क्या होता है, इसमें कार्य प्रगति की कमियों को दूर किया जाता है। इसमें इसमें जो आपका प्रोसेस जो वर्क होता है उसकी जो कमियों क्या करते हैं स्टूडेंट, फ्लोर किसको दूर करते हैं। अब आते हैं चौथा इसका है प्लानिंग का, कि एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, जटिल समिति की रचना के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि जो भी जो कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होती है, जो जब उसका प्रोडक्शन होता है तो क्या करते हैं, उसकी जो कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री होती है उसकी क्या करते हैं, उसका हम रचना करते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर में। पांचवा है कंप्यूटर एडेड बैलेंस, यानी कंप्यूटर एडेड बैलेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, सीएलपी के द्वारा फ्लो लाइन में कार्य अवयव को विभिन्न कार्य स्टेशनों बांटने की प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा आसान हो जाती है। यानी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो कंप्यूटर एडेड लाइन बैलेंस है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि लाइन बैलेंसिंग इसमें होती है, इसमें क्या होता है कि जो जो आपका वर्क होता है उसमें क्या करते हैं, जो कंप्यूटर उसके फ्लो लाइन होता है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस पे कितना लोड उसको डिस्ट्रीब्यूट, प्रत्येक स्टेशन पे क्या करते हैं उसको हम इजिली डिस्ट्रीब्यूट। सपोज दैट या कोई वर्क स्टेशन है, इसमें बहुत सारे मशीन लगी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे कंप्यूटर एडेड लाइन बैलेंस के द्वारा हम क्या करेंगे, इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि भैया पांच आपको, पांच आपको, पांच आपको, ठीक ना, उसी के करस्पॉन्डिंग में क्या करेंगे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिक्स आपका स्टूडेंट्स है प्रोडक्शन एवं इन्वेंटरी प्लानिंग, यानी कि स्टॉक, कच्चे माल, उत्पाद, रिकॉर्ड साझा करना आसान होता है। इसमें हम जाएगा कंप्यूटर जो आपका इसमें कैम में क्या होता है, कैम के जो तो प्लानिंग होती है उसमें क्या करते हैं कि जैसे सिस्टम हमारा कंप्यूटर है तो क्या करते हैं, जो हम सिस्टम में सारी चीज़ फिट करते हैं, ठीक है ना, तो जैसे हम एक क्लिक में हम हमारे पास कितना स्टॉक है, हमारा रॉ मटेरियल कितना है, ठीक है ना, उत्पादन कितना हुआ है, ठीक है, इस सब का रिकॉर्ड रखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ना, कि वन क्लिक में हमको सारी चीज़ जानकारी मिल जाती है। आप समझ रहे होंगे कंप्यूटर, क्योंकि आज के जमाने स्टूडेंट सारे कंप्यूटराइज होता जा रहा है, तो प्रोडक्शन सिस्टम को करना पड़ा। क्यों, क्योंकि सपोज दैट कि अगर जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स की जो अगर बीच में कमी पड़ेगी तो भी प्रॉब्लम होती है कंपनीज में। इसलिए क्या होता है, जब अगर आप कैम के द्वारा करेंगे उसमें क्या होता है, सीधे सीधे आपकी प्लानिंग हो जाती है, वन क्लिक में आपको आपका कितना स्टॉक है, ठीक है ना, कितना स्टॉक है, कितना रॉ मटेरियल है और कितना प्रोडक्शन हो चुका है, कितना जा चुका है, सारा रिकॉर्ड आपको वहाँ पे वन क्लिक में मिल जाएगा। और हमको फाइंड करना और आसान हो जाता है, और उसको बढ़ाना है और भेजना है, घटाना, सारा चीज़ हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैम के लाभ क्या क्या है। कैम के कम का लाभ पहला क्या है स्टूडेंट, उत्पादन समय में ह्रास कम होता है, यानी इसमें इसमें क्या होता है कि पूर्णता ऑटोमेटिक होता है एक तरह, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो आपका टाइम का जो लॉस होता है वो कम होता है, यानी कि अगर एक किसी पार्ट को प्रोग्राम
निर्माण करने में आपको मान लीजिए कि 10 मिनट लगता है नॉर्मली, तो इसमें 8 मिनट लगेगा, 7 मिनट लगेगा, ठीक है ना। नॉर्मली एग्जाम्पल दिया हूँ मैं, मशीनों का उपयोग अधिक से अधिक हो जाता है। इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि मशीनें जो आपकी अधिक से अधिक हो जाती हैं, यानी कि मैक्सिमम काम किससे होता है स्टूडेंट, मशीनों से होता है। कैसे होता है? मशीनों से होता है। जीवन स्तर सुधार हो जाता है स्टूडेंट, जीवन स्तर यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनता है वो सुधार हो जाता है। लेकिन जो आपका एक चीज़ में प्रॉब्लम आती है, इसमें आपका मैन पावर कमी हो जाती है, मैन पावर कमी पड़ जाती है, और जिसका रीजन आप समझ रहे होंगे कि जो जो बेरोजगारी बढ़ रही है, सारी कहानी यही से। श्रम प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में कमी आती है, ध्यान दें उसमें जो आपकी कॉस्ट यानी कि जो मेहनत होती है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों क्या होती है, वो कम हो जाती है। यानी कि ऑटोमेटिक में क्या होता है कि सारी चीज़ें ओके कम हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या मैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, हमते हैं असेंबली लाइन क्या होता है। हम जानते हैं कि उत्पादन में स्वचालन के आ जाने से, यानी कि ऑटोमेशन के आ जाने से ऑटोमेटिक फ्लो लाइन का उपयोग किया जाने लगा है। ऑटोमेटिक फ्लो लाइन के संबंध में निम्नलिखित बिंदु विचारणीय होते हैं। पहला क्या है, उत्पादन प्रक्रम कौन कौन से प्रक्रम हो रहे हैं, किस प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, मशीनों पर कौन कौन से टूल प्रयोग किए जा रहे हैं, मशीन की चाल एवं फीड रेट क्या है, मशीनों के प्रक्रम के दौरान किन किन प्रकार के कंपन उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक। देखिए जिसमें होता क्या है कि जब धीरे धीरे ऑटोमेशन बढ़ता गया है तो हमारे मन में कई प्रकार के विचार आने लगे, ठीक है ना। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि जो जो प्रोसेस होते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, कौन कौन सी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें टूल्स कौन कौन से प्रयोग किए जा रहे हैं, इनका फीड रेट, मशीनों का फीड रेट क्या है, और जो मशीन आपकी वर्क कर रही है उसमें जो है आपका वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उपयुक्त तथ्यों से हम उत्पादन की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, परंतु ऑटोमेशन में प्रयुक्त किसी भी वर्क स्टेशन में खराबी पूरे उत्पादन को रोक देती है, क्योंकि पूरी ऑटोमेटिक प्रवाह रेखा बाधित हो जाती है। उपरोक्त कमी को दूर करने के लिए हम बफर स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसे कहा गया है कि जो ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेशन में क्या होता है कि अगर आपका बीच में कोई भी फॉल्ट आया, ठीक है, बीच में कोई भी फॉल्ट आया तो उस ड्यूरेशन से क्या होता है आपका पूरा प्रोडक्शन रुक जाता है, यानी कि प्रोडक्शन उसमें होता ही नहीं है, ठीक है ना। प्रोडक्शन नहीं होता है, नहीं होने का मतलब ये है कि आपका जो है एक भी लाइन यानी ऑटोमेटिक है और सारे जो सेंसर बेसिस पे है ऑटोमेशन से है, और ठीक है ना, अगर एक डिस्टर्ब हुआ तो आपका पूरा प्रोडक्शन जो है डिस्टर्ब रहता है। तो क्या होता है कि हम उस चीज़ को दूर करने के लिए, ठीक है ना, मान ली मशीन बिगड़ गई, तो बिगड़ गई तो हमको प्रोडक्शन सप्लाई भी तो देना है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बफर स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। किस कैसे करते हैं, बफर स्टोरेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जैसे हमारे पास स्टोरेज रहता है, मशीन खराब हो गई हमको सप्लाई देना है, तो हम क्या करते हैं कि जो सामने वाली पार्टी है उसको हम माल की सप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है ऑटोमेटिक फ्लो लाइन की दक्षता एवं कुशलता का मापन निम्न पदों क्या है। जो ऑटोमेटिक फ्लो लाइन होता है, ठीक है ना, उसकी हम एक्यूरेसी की हम और बात करते हैं, तो स्किल की बात करते हैं, कैसे करते हैं। पहला स्टूडेंट है एवरेज प्रोडक्शन रेट, दूसरा है कॉस्ट ऑफ फ्लो लाइन, तीसरा है इफिशियंसी ऑफ फ्लो लाइन एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है सर। ये आपकी चार चीज़ें डिसाइड करती हैं कि ये आपका कुशल और दक्ष यानी कि इफिशियंट और स्किल्ड है कि नहीं, यानी कि इसको दूर करने, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है जनरल टर्मिनोलॉजी एनालिसिस ऑफ ऑटोमेटेड फ्लो लाइन। अब देखते हैं कि कुछ इसकी जो शब्दावली है यानी कि इसके एनालिसिस और और इसकी टर्मिनोलॉजी है उसको देखते हैं, किसकी, ऑटोमेटेड फ्लो लाइन की। क्या होता है इसमें देखे हैं, ऑटोमेटेड फ्लो लाइन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम एक ऐसी फ्लो लाइन का अध्ययन करते हैं जो बिना सुरक्षा यानी बफर स्टोरेज की है तथा सिंक्राइज ट्रांसफर निकाय सिस्टम। इसमें देखिए हम जानते हैं कि सिंक्राइज ट्रांसफर निकाय में
एक कार्य स्टेशन पर कार्यखंड केवल एक ही प्रोसेस होता है। यह कार्यखंड एक निश्चित समय अंतराल पर ही अगले वर्क स्टेशन पर प्रवाहित होता है। इस समय अंतराल के चक्र को साइकिल टाइम टीसी कहते हैं। और चक्र का समय वह समय होता है जो कार्यखंड को स्थानांतरित और किसी एक स्टेशन पर किसी पर सभी प्रक्रम करने में व्यय होता है। ध्यान देगा स्टूडेंट, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंगल की बात कर रहे हैं कि सिंगल की, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहे हैं हम, सिंक्रोटन मोटर सिस्टम है इसमें, और एक वर्क स्टेशन है। क्या है सर आपका इसमें, एक वर्क स्टेशन है। इसमें देखते हैं कि क्या होता है। इसमें क्या आता है कि जो आपका वर्क स्टेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसफर टाइम है, ठीक है ना। ये आपका प्रोसेस टाइम है और ये आपका ये ट्रांसफर टाइम है, ठीक है सर। देखिएगा टाइम ये किसका है स्टूडेंट है, ये साइकिल चक्र है। किसका है, साइकिल चक्र, ठीक है ना। जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जो उस वर्क को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, अगले स्टेशन को प्रवाहित करने में टाइम लगता है भेजने में, उसे क्या कहते हैं, साइकिल टाइम कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका उत्पादन टाइम है, आपका ये प्रोसेस टाइम है और ये ट्रांसफर टाइम है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं हम। माना टीपी बराबर क्या आपका है, एवरेज टाइम प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन टाइम। टीडी है आपका है औसत डाउन, एवरेज डाउन टाइम ब्रेक डाउन, एवरेज डाउन टाइम ब्रेक डाउन, ठीक है। एफ का है फ्रीक्वेंसी, यानी साइकिल फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है। बात करते प्रति चक्र रुकने में लगा कुछ समय, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद आ रहा है तो कुछ समय कितना लगेगा, एक आपका एफ इंटू टी डी, यानी कि जो ब्रेक डाउन हो रहा है और उसकी साइकिल है उसमें गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, कि ये प्रति चक्र लगने को समय। देखिएगा यहाँ पे ये है रुकने का समय, देखिए एक चक्कर कंप्लीट जब कर रहा है आइडियल टाइम है, ठीक है ना। प्रोसेस हुआ और ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है यानी कि एफ इंटू टी डी कर देंगे तो फिर क्या होगा, टीपी, टीपी क्या सुने आपका है, टीपी आपका है एवरेज प्रोडक्शन टाइम, क्या हो जाएगा टीसी प्लस एफ इंटू टी डी, टीसी प्लस एफ इंटू टी डी। यानी कि अगर हम क्या करें, अगर हम ट्रांसफर टाइम, ठीक है ना, ट्रांसफर टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम आपका ये है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि एक स्टेशन से अगले स्टेशन पर प्रवाहित जो भेजने के लिए टाइम लग रहा है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर टाइम कहते हैं, यानी टीसी कहते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफर टाइम हो गया प्लस एफ इंटू टी डी, एफ हमने जो यानी कि प्रति चक्र में लगने वाला रुकने में लगा कुल समय, यानी कि जब पहला चक्र कंप्लीट करके जब अगले चक्र में जा रहा है तो रुकने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स, हमें मिल जाता है एवरेज प्रोडक्शन टाइम। क्या मिलता है, एवरेज प्रोडक्शन टाइम मिलता है। इस वन में फिर समझिए, देखिए स्टूडेंट जी जो आपका ट्रांसफर टाइम यहाँ से दिखेगा, ये ट्रांसफर टाइम है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ स्टूडेंट, एक बार से ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। ये आपका प्रोसेस हुआ और ट्रांसफर टाइम आपका है, बीच में एक आइडियल टाइम है। तो आइडियल टाइम को भी में हम निग्लिजिबल मान लेते हैं, क्या इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, क्या कहते हैं इसको निग्लेक्ट करते हैं, यानी कि देखिए प्रोसेस होने के बाद कुछ तो टाइम लगेगा ट्रांसफर होने में, कुछ तो टाइम लगेगा ना ट्रांसफर होने में, ठीक ना, कुछ टाइम लगेगा ट्रांसफर होने में। अब उस ड्यूरेशन में क्या होगा, ट्रांसफर हो के करके जब कुछ स्टेशन जिसे अब इस स्टेशन से अगले स्टेशन को पहुंचाना है तो उस ड्यूरेशन में कुछ टाइम लगेगा, रुकेगा वो, क्या करेगा उस टाइम रुकेगा वो, जब वो ट्रांसफर नहीं कर रहा होगा यानी कि उसको पहुंचा करके जब वो इसे पहुंचा करके जब वापस जाएगा यानी कि ये वापस जाएगा कुछ टाइम लगेगा, वही क्या होता है, वो ब्रेक टाइम होता है, क्या होता है ब्रेक डाउन टाइम होता है। औसत जो एवरेज आपका ब्रेक डाउन टाइम होता है उसको, और जो जो आपका साइक्लिक फ्रीक्वेंसी है उसमें अगर गुणा कर देंगे तो हमें तो प्रति चक्र में जो यानी कि जो प्रति चक्र में जो रुकने वाला कुल समय है वो मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे हम उसमें प्लस कर देंगे, किसमें प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रांसफर टाइम में प्लस कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एवरेज प्रोडक्शन टाइम मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। अगर बात की आरपी बराबर क्या है कि एवरेज प्रोडक्शन रेट, तो क्या आरपी बराबर क्या होगा, 1/2
यानी कि एवरेज प्रोडक्शन रेट की बात करेंगे हम, तो क्या होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा। किसका रेसिप्रोकल, यानी कि एवरेज टाइम प्रोडक्शन का क्या होगा, वो रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। ये हक है आरसी बराबर क्या होगा, थियोरिटिकल प्रोडक्शन रेट। आरसी बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन टीसी। टीसी सी क्या रेस्टोरेंट था आपका है, सी आपका है ट्रांसफर टाइम, ठीक है ना। वन अपॉन टीसी कर देंगे तो हमें जो है आपका थ्योरेटिकल प्रोडक्शन रेट मिल जाएगा। ई बराबर चक दक्षता या लाइन दक्षता, यानी साइकिल एफिशिएंसी या लाइन एफिशिएंसी। इसमें क्या करेंगे, ई बराबर शून्य क्या हो जाएगा, आरपी बटे आरसी बराबर टीसी बटे टीपी। टीपी का मान हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर ऑप्शन हो जाएगी, क्या मिल जाएगी, टीसी अपान टीसी प्लस या फिर टू डी। ये आपका हम कहाँ से उठा कर रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, हम यहाँ से टीपी बराबर क्या लग देंगे, टीसी प्लस या फिर टू टी डी। यहाँ वैल्यू क्या पुट कर दिया है, ये वाली वैल्यू जो है आपका, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है ना। यदि डी बराबर डाउन टाइम प्रोपोर्शन है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डाउन टाइम अपॉन एवरेज प्रोडक्शन टाइम, यानी कि टोटल डाउन टाइम क्या हो गया, फिर टू टी डी बटे टी पी हो जाएगा। यानी कि टोटल आपका डाउन टाइम प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा या फिर टू टी डी अपॉन टी सी प्लस या टी डी। हम वहाँ से वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट करें। अब समीकरण भी एक ये वाला समीकरण और इस समीकरण से देखते हैं हमें क्या मिलता है, ई प्लस डी बराबर वन। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें ई प्लस डी को, उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि वन हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम ई प्लस डी को जोड़ दें, इसको जोड़ दें ई प्लस डी को, तो क्या मिल जाएगा हमको, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको ई प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बराबर हो जाएगा, जब इसमें प्लस करेंगे तो टी सी प्लस एफ इंटू टी डी, टी सी प्लस एफ इंटू टी डी नीचे कॉमन हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों सेम है तो कॉमन हो जाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा टी सी प्लस एफ इंटू टी डी, और नीचे क्या है टी सी प्लस एफ डी कट जाएंगे, कितना वैल्यू मिल जाएगा हमको, यहाँ पे वन मिल जाएगी। तो टी सी इस ई प्लस डी आपके क्या आंसर मिल जाएगा, बराबर वन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बात करते हैं उत्पादन की लागत प्रति उत्पादन गणना, यानी कि उत्पादन की लागत प्रति उत्पाद की गणना की बात करते हैं। सीएम बराबर है प्रति उत्पाद कच्चे माल की लागत, सीएल बराबर हो जाएगा वो प्रति मिनट लाइन लगाने की लागत, इसमें लेबर प्लस ओवरलोड प्लस मेंटेनेंस प्लस डिफरेंस सब कुछ आ जाता है, यानी कि प्रति मिनट लाइन चल लगाने की लागत। सीटी आपका हो जाएगा प्रति लागत उत्पादन मूल लागत, और टीपी बराबर हो जाएगा औसत उत्पादन टाइम, ठीक है। तो प्रति लागत प्रति उत्पाद सीपीसी बराबर हो जाएगा सीएम प्लस सीएल टीपी प्लस सीटी। ये आपका हो गया क्या, उत्पादन लागत, सॉरी उत्पादन की लागत प्रति उत्पाद की टाइम, ठीक है ना। ये क्या निकल गया आपका, लागत प्रति उत्पाद। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट हम सुरक्षा भंडार रहित ट्रांसफर लाइन का विशेषण, एनालिसिस ऑफ ट्रांसफर लाइन विदाउट बफर स्टोरेज। देखिए स्टूडेंट, हम अभी तक हमने क्या रखा था, हमने बफर स्टोरेज की बात किया था, अब हम बफर स्टोरेज की बात नहीं करेंगे, यानी कि हम बात करते हैं कि जो है एनालिसिस ऑफ ट्रांसफर लाइन विदाउट बफर स्टोरेज। बिना अभी तक जो था हमारा बफर स्टोरेज था, अब हम बफर स्टोरेज हमारे पास नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत हम दो प्रकार के लाइन का अध्ययन करेंगे। पहला है आपका है कंटिन्यूस ट्रांसफर लाइन, दूसरा है सिंक्रोनस ट्रांसफर लाइन। कौन कौन से स्टूडेंट्स, आपका है कंटिन्यूस ट्रांसफर लाइन है, दूसरा क्या है सिंक्रोनस ट्रांसफर लाइन, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है, किसी स्वचालित प्रवाह रेखा खराब हो जाने पर उसे चालू करने के लिए दो विधियां प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। अगर कोई भी ऑटोमेटिक फ्लो लाइन अगर खराब हो गई है, उसको चालू करने के लिए दो विधि होती है, पहली भी है अपर बाउंड अप्रोच, दूसरा है लोअर बाउंड अप्रोच, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं प्रथम विधि में अपर बाउंड अप्रोच में क्या होता है, इस विधि में कार्यखंड को बिना ट्रांसफर लाइन से उतारे लाइन के रुकने की आवृत्ति की अधिकतम सीमा का आकलन करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं कि हम इस विधि में जो आपका वर्क पीस होता है वो ट्रांसफर लाइन से उतारे बिना ही क्या करते हैं, उसकी अधिकतम फ्रीक्वेंसी की
गणना करते हैं, आकलन करते हैं। उदाहरण के लिए हम बात है, यदि कटिंग टूल घिस गया है तो कार्यखंड को बिना उतारे ट्रांसफर लाइन को ठीक किया जा सकता है। ठीक है सर, यानी कि अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं उसमें और वर्कपीस हम वहाँ पे अभी है और आपका जो है वो टूल जो घिस गया है यानी कि उसमें रफनेस आ गई है, तो आप क्या करेंगे हम कि ट्रांसफर लाइन से हम उस वर्कपीस को बिना हटाए हम क्या कर सकते हैं, टूल को चेंज कर सकते हैं, उस लाइन को ठीक कर सकते हैं। तो देखते इसमें क्या होता है, किसी कार्यखंड को के किसी आई स्टेशन आई पर रोकने की प्रायिकता क्या होगी, पी आई होगी, जहाँ आई बार 1 2 3 4 कहाँ थे -1 तक जाएगी। लाइन स्टॉपअप की फ्रिक्वेंसी एफ बराबर क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपका, एफ बराबर सिग्मा आई आई बराबर 1 2 n पी आई, जहाँ पी वन बराबर क्या बराबर पी टू बराबर पी थ्री बराबर पी फोर बराबर पी एन बराबर पी हो जाएगा। ठीक है ना, ए बराबर क्या हो जाएगा, एन पी हो जाएगा। ठीक है सर, जिसमें अपर बाउंड अप्रोच होता है उसमें उसमें क्या करते हैं कि ट्रांसफर लाइन से हम उस वर्क पीस को जो है बिना हटाए ही हम उस जो है जो टूस होता है जो घिसा हुआ है उसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, दूसरा है लोअर बाउंड अप्रोच। क्या होता है लोअर बाउंड अप्रोच में क्या होता है, इस विधि में कार्यक्रम को ट्रांसफर लाइन से उतार कर लाइन के रुकने की आवृत्ति को न्यूनतम सीमा आकलन करते हैं। ध्यान दीजिएगा उसमें हम अधिकतम का सीमा अप्रोच में हम जो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो हम अधिकतम सीमा का आकलन करते हैं, इसमें हम न्यूनतम सीमा का आकलन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो आपका ट्रांसफर लाइन पर जो वर्कपीस होता है उसको उतार देते हैं। मान लेते हैं कि कोई टेप किसी पार्ट में टूट जाए तो कार्य स्टेशन पर टेप बदलना पड़ता है, साथ ही कार्यखंड को भी उतारना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ध्यान दीजिएगा जो आपका लोअर बाउंड अप्रोच है इसमें क्या करते हैं कि इसमें ट्रांसफर लाइन पे का कोई वर्कपीस आपका है तो उसको भी उतारते हैं, साथ में क्या करते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी के जो है वो न्यूनतम सीमा पे क्या करते हैं इसका हम आकलन करते हैं। जबकि जो अपर बाउंड अप्रोच था, अपर बाउंड में क्या करते थे कि ट्रांसफर लाइन पर से वर्कपीस को हटाते नहीं थे, इसमें अधिकतम फ्रीक्वेंसी के हम आकलन करते थे और जो वर्कपीस आपका है उसी लाइन पर रख कर ही बिना हटाए ही हम क्या करते हैं उसको हम सही करते थे। ठीक है ना, तो बात करते हैं किसी इसमें हम बात करते हैं कि लोअर बाउंड अप्रोच में किसी पार्ट के स्टेशन आई पर रुकने की प्रायिकता बराबर क्या है, पी आई है, बिना लाइन रुके उस पार्ट के पास होने की प्रायिकता पी आई बराबर हो जाएगी, यानी कि 1 - pi - 1 - pi - 2। यानी कि हम चाह रहे हैं कि जो बिना लाइन रुके उस पार्ट की प्रायिकता पास होने, यानी कि अगर जो बार बार अगर किसी पार्ट के रुकने की प्रायिकता की क्या है पी आई है और बिना लाइन पर रुके उस पार्ट के प्रायिकता यानी कि पी आई, तो 1 माइनस कर सब में घटाते जाएंगे, यानी कि 1 - pi - 1 - pi - 2 - pi - 3 यानी कि 1 - p2 - p1। तो क्या हो जाएगा i2 - pi, यानी कि प्रति चक्र लाइन रुकने की आवृत्ति क्या हो जाएगी, एफ बराबर हो जाएगी 1 - pi - 1 - pi। ठीक है सर, जहाँ पर p1 - p2 - p3 - p, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 1 - pi / n या आर पी बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1 - f/tp। ठीक है सर, चलिए इसके बाद आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।